क्या तुझको कभी भी मेरी याद आती नहीं? कैसे तर पाती है मुझको, तुझको तर पाती नहीं, तुझको तर पाती नहीं, पल पल मुझे तर पाती है याद तेरी। सुन के आ जा तू, आ जाओ, आवाज मेरी मुझे जीने नहीं देती है याद तेरी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रकाश मैथ पॉइंट में। और दोस्तों, मैं हूं प्रकाश कुमार। दोस्तों, आर्मी के लिए राम सिंह यादव जी के बुक से हम अनुपात तथा समानुपात चैप्टर शुरू किए हुए हैं, और हम अनुपात तथा समानुपात का यह चौथा वीडियो होगा। ठीक है, यदि आप कुछ नहीं जानते हैं अनुपात समानुपात में, तो पार्ट वन से देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। और आर्मी में कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा रेशियो से जो आपसे नहीं बनेगा। ठीक है, तो दोस्तों आज क्वेश्चन नंबर 31 से सॉल्व होगा। ठीक है दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब करके घंटी को दबा दीजिएगा। इससे क्या होगा कि जब भी मैं नया वीडियो बनाकर अपलोड करूंगा, सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको पहुंचेगी, आप अच्छे से तैयारी कर सकेंगे। ठीक है, तो आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 31 पे। चलिए ध्यान दीजिएगा, 31 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। यदि ए अनुपात बी प्लस सी बराबर 1:2 तथा बी अनुपात ए प्लस सी बराबर 2:3 हो, अनुपात में 420 रुपए है, 420 रुपया को ए बी सी में बांटना है, तो बताइए ए एवं सी का हिस्सा क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन कहा है कि ए अनुपात बी प्लस सी। ठीक है, अभी ट्रिक हम बताएंगे, देखिएगा। ए अनुपात बी प्लस सी बराबर दिया है 1:2, मतलब 1:2। फिर बी अनुपात ए प्लस सी का मान दिया है 2:3 दिया है। ठीक है, 2:3 दिया है, और 420 रुपया में ए बी सी को बांटना है, तो कैसे बांटेंगे, मतलब ए और सी का हिस्सा कितना मिलेगा। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ बैलेंस कर लीजिए। बनाने के तरीका तो खैर बहुत है, दो दो तीन तीन तरीका है, लेकिन चलिए हम दो तरीके से आपको बना के बताते हैं। इधर भी ए बी सी है और इधर भी ए बी सी है। यहाँ देखिए ए का वैल्यू 1 है, और यहाँ ए और सी का मिलाकर 3 है। यहाँ बी का वैल्यू 2 है, यहाँ बी का वैल्यू भी 2 है, यहाँ यहाँ समान है। ठीक है, तो बी का वैल्यू समान है, तो आप ध्यान दीजिए, तो बैलेंस कैसे करेंगे। तो ए बी सी इधर दिखाई है, दिखाई दे रहा है, ए बी सी इधर भी दिखाई दे रहा है, तो ई ए बी सी को जोड़ लीजिए। जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 × 2 = 5। जोड़ने पर कितना आ जा रहा है, 5 आ जा रहा है। इधर जोड़ने पर कितना जा रहा है, 2 × 1 = 3। तो इस वाला 3 से इधर गुना, और इस वाला 3 × 5 से इधर गुना, बैलेंस कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो बैलेंस इसी तरीके से कीजिएगा। ठीक है, चलिए अभी 3 को मिटा देते हैं, और इधर से 5 को भी मिटा देते हैं। ठीक है, अब देखिए 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, 3 × 2 = 6, और 3 × 3 = 9। अब ए अनुपात बी अनुपात सी का आप रेशियो निकाल लीजिए। तो जिसका अकेला अकेला वैल्यू जो दिखाई दे रहा है उसको लिख लीजिए। ए का अकेला दिखाई दे रहा है 5, तो 5 लिख दिए, अब बैलेंस हो गया ही। बी का दिखाई दे रहा है 6, तो 6 लिख दिए। अब ध्यान दीजिए सी का कहाँ से निकालेंगे। देखिए ए प्लस सी मिला के 9 है, जिसमें अकेला ए 5 है, तो सी इसका मतलब होगा 4 होगा। फिर यहाँ भी देख लीजिए बी और सी मिला के कितना है, 10 है, तो यहाँ भी बी और सी मिला के 10 हो गया कि नहीं हो गया, हो गया, तो अब बैलेंस हो गया। चलिए अनुपात में टोटल रुपया तीनों का है कितना, 6 × 10 = 5 = 15। अनुपात में 15 रुपया है, जबकि रियल में बांटना है 420 रुपया। ठीक है, अनुपात एक का वैल्यू निकल जाएगा यहाँ से, 15 × 2 = 30, 15 × 8 = 20, 128 आ गया अनुपात एक का वैल्यू 28। अब जिसका पूछा है उसे गुना कर दीजिए, एक का पूछा है तो 28 × 5 अनुपात एक का वैल्यू 28, तो 5 का वैल्यू 28 में 5 से गुना कीजिए, 8 × 5 = 40, 5 × 2 = 10, 4 = 14, 140 एक के वैल्यू हुआ। फिर सी का पूछा है अनुपात के वैल्यू 28, 4 का वैल्यू 8 × 4 = 32, 4 × 2 = 8, 3 = 11, यानी कि 140 रुपया और 112 रुपया आपका आंसर हुआ। ठीक है,
140 और 112 जो आपका ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है। और देखिए इसका दूसरा तरीका कैसे बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये दूसरा तरीका है सेकेंड मेथड। सेकेंड मेथड क्या है, देखिए ए को निकालना है ना, तो टोटल रुपया कितना है 420 है, टोटल रुपया 420 है, 420 का ए को कितना मिलेगा, ए को एक मिलेगा भैया, कुल कितना में, तो तीन में, तो बस तीन से 14 बार में कर जाएगा 140 बार में, यानी कि ए का चलाया 140 रुपया। अब आपसे सी का पूछा है तो पहले आप बी का निकालिएगा तब ना सी का निकालिएगा, तो बी का भी निकालना पड़ेगा, इसे अगर बनाइएगा तो तब देखिए 420 रुपया में ना बी को कितना मिलेगा, बी का दो है देखिए ना, दो अकेला वाला से देखिएगा, अकेला वाला से, तो 420 का कितना मिलेगा बी को, दो कुल कितना में, तो पाँच में, अकेला अकेला वाला के साथ ऐसे कीजिएगा, पाँच से कटिएगा, पाँच 48 है, पाँच चौके 20, 82 दूनी कितना होता है, 4 दूनी 8, 84 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 168 रुपया। तो सी का निकलना है आपको, सी का, तो सी का देखिए 420 रुपया टोटल है, 420 रुपया में से 140 ए वाला और 168 बी वाला घटा लेंगे, कुल रुपया में से ए और बी का घटा लेंगे तो सी का पता चल जाएगा, समझ रहे हैं। तो 420 माइनस 8 6 4 10 एक एक 2 एक 3, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, घटा लीजिए, 10 में से 8 गया 2, 11 यहाँ 1, और 4 में से 3 गया 1, बताइए ए का कितना 140 और सी का कितना 112, यही तो पूछा है, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन और बी। आते हैं अगली क्वेश्चन पे, जो आपको अच्छा लगेगा वही रखिएगा, ठीक है, मेरे लिए दोनों तरीका अच्छा है। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, 32 नंबर क्वेश्चन कहता है 189 रुपए को ए बी सी में इस प्रकार बांटे गए हैं कि ए को बी के बराबर और बी को सी के बराबर हिस्सा मिले, तो सी का हिस्सा, नॉर्मल क्वेश्चन है, बस तीन आदमी है, देखिए ना तीनों को बराबर बराबर रुपये मिला है, ए को कितना मिला है, बी के जितना मिला है उतना, और सी को कितना मिला है, जितना बी को मिला है उतना, मतलब ए बी सी बराबर है, तो तीन से भाग दीजिए आपका आंसर आ गया, और नहीं तो आप लिख लीजिए ए बी सी, ठीक है, ए को जितना मिल रहा है उतना ही बी को मिला है, उतना ए को जितना मिल रहा है उतना ही बी को, अब सी को उतना ही मिला है जितना बी को मिला है, तो मतलब 1:1 आ गया, ठीक है। अनुपात में टोटल रुपये कितना 3, जबकि रियल में 189, ठीक है, 89 अनुपात एक का वैल्यू 3 6 18, 3 3 9 63, तो जिसका पूछा उसका मान निकाल दीजिए, किसका पूछा है सी का, अनुपात में एक अनुपात एक का वैल्यू 63, तो 63 ना हो जाएगा, ऐसे भी डायरेक्ट आप आंसर निकालिएगा, ठीक है, जिस जब बराबर रहेगा ना तो जितना वैल्यू रहेगा जितना आदमी रहेगा उतना से भाग दे दीजिएगा, ठीक है, जिसका पूछेगा उसका निकल जाएगा 63 आ जाएगा, ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा जो आपका ऑप्शन नंबर सी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे, चलिए 33 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, 33 नंबर क्वेश्चन कहता है 1500 रुपए ए बी व सी में इस प्रकार बांटे कि ए को बी व सी के आधा तथा सी को ए व बी के आधा मिले, तो बी का हिस्सा, सेम क्वेश्चन है, बस तीन से भाग दीजिए आपका आंसर आ जाएगा, ऐसे हम लिख के बना के बता दे रहे हैं, लेकिन ऐसा क्वेश्चन में डायरेक्ट मारिएगा, जितना आदमी रहेगा उतना से भाग दे दीजिएगा, ठीक है, यही ट्रिक है। चलिए तो टोटल रुपया 1500 रुपया, ए को मिल ए को कितना मिला मालूम है, बी व सी से आधा, ए को मिला है बी व सी से आधा, बी प्लस सी से आधा, तो इसका दो हो जाएगा, तो इसका एक हो जाएगा, यही तो आधा हो गया। फिर बोल रहा है कि ए को बी व सी का आधा मिला है, फिर सी को ए व बी को, सी को ए व बी, ए व बी के आधा, तो इसका दो हो जाएगा, तो इसका एक हो जाएगा, आधा तो हो गया। अब देखिए यहाँ से रेशियो निकाल लीजिए, जैसे बताए हैं पहले उसी तरह से आप निकाल सकते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पूछा किसका है, ध्यान दीजिएगा, पूछा है इसमें बी का हिस्सा कितना मिलेगा, तब बी देखिए अकेला नहीं दिखाई दे रहा है, नहीं तो दिखाई दे रहा है, तो नहीं दिखाई दे रहा है, तो वही काम कीजिए ना, देखिए ए बी और सी का रेशियो निकाल लीजिए, तो ए का एक अकेला है, सी का एक अकेला है, और देखिए बी और सी मिला के दो है, तब यहाँ भी एक हो जाएगा, तब ना बी और सी मिला के दोनों को जोड़ेंगे तो दो आ जाएगा, फिर यहाँ ए और बी को दो होना चाहिए, तो देखिए ए और बी को, सॉरी ए और बी दो होना चाहिए, तो यहाँ देखिए ए और बी दो है, मतलब बैलेंस हो गया, ठीक है। टोटल रुपया कितने में अनुपात में हुआ, 3 हुआ अनुपात में, जबकि रियल में बांटना है 1500, तो अनुपात एक का वैल्यू 5 3 5 15 और 1 0 2 0, ठीक है, यानी अनुपात एक का वैल्यू चलाया कितना 500 चलाया, तो पूछा बी का हिस्सा, तो बस 500 हो गया आपका आंसर, जब बराबर है ना तो जो वैल्यू दिया रहेगा ना जितना आदमी रहेगा उतना से भाग दीजिएगा, तो 1 2 3 आदमी है, 3 से भाग दीजिएगा, जिसका पूछेगा उसी का आता है, ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा 500, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे,
चलिए 34 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है ध्यान दीजिएगा। 34 नंबर क्वेश्चन कहता है चाय के बाग में कार्यरत पुरुष व स्त्रियों की संख्या, स्त्रियों का अनुपात 3:2 है, यदि कुल कर्मचारी 165 हो तो स्त्रियों की संख्या बताइए। सुनिए, कोई गार्डन है मतलब कि भगवान है, ठीक है, चाय का भगवान है, उसमें पुरुष और स्त्री है, पुरुष और स्त्री तो दूसरा कौन होगा, पुरुष और स्त्रियों है, ठीक है, संख्या का रेशियो है तो 3:2, इसका मतलब है संख्या का रेशियो आदमी होता है संख्या में, किलो लीटर में नहीं होता है। यदि कहने का मतलब है कि 3 पुरुष होगा उस भगवान में तो 2 स्त्री होगी, ठीक है, तो अनुपात में टोटल स्त्री और पुरुष कितना 5, जबकि रियल में क्वेश्चन कर रहा है कि 165, तो 5 का वैल्यू 165, तो अनुपात 1 का वैल्यू कितना 5 15 5 15, तो पूछ लिया है कि स्त्रियों की संख्या बताइए, तो अनुपात 1 का वैल्यू 33 चला आया, जिसका मान पूछा उसका निकाल दीजिए, स्त्री का पूछा है अनुपात 1 का वैल्यू 33, तो 2 का वैल्यू 66, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, जो आपका ऑप्शन और बी में है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, चलिए 35 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है ध्यान दीजिएगा। 2 संख्याएं 3:4 के अनुपात में है, उसने छोटी से उसमें छोटी संख्या 75 हो तो दूसरी संख्या बताइए। देखिए 2 संख्या डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, लेकिन हम यहाँ इस तरह से हम लिखते हैं, ठीक है, 2 संख्या जो है ना, 2 संख्या 3:4 के अनुपात में है, 3:4 के अनुपात में, ठीक है, पहला संख्या दूसरा संख्या मान लिए, तो क्वेश्चन कह रहा है कि उनमें से छोटी संख्या 75 है, भैया ये दोनों में छोटी कौन है, 3, तो अनुपात में छोटी 3 है, अब क्वेश्चन बोल रहा है कि 75 है, तो दोनों तो छोटी है इसलिए बराबर, तो अनुपात 1 का वैल्यू चलाएगा 3 से कटेगा 25 बार में, अनुपात 1 का वैल्यू चलाया 25, तो पूछा है दूसरी संख्या, पहला ही हो गया तो दूसरी यही ना होगा, अनुपात 1 का वैल्यू 25 तो 4 का वैल्यू 25 चौका 100, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, चलिए 36 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है ध्यान दीजिएगा। 36 नंबर क्वेश्चन कहता है 3 संख्याएं जो 1:4:5 के अनुपात में है तथा उनके वर्गों का योग 1050 हो तो संख्याएं बताइए। ध्यान दीजिए 3 संख्या है, एक संख्या दूसरा संख्या और यह तीसरा संख्या, तीनों संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है 1:4:5, 1:4:5 दिया है, ठीक है, और उनके वर्गों का योग, हाँ याद रखिएगा वर्गों का योग दिया है 1050, याद रखिएगा जब भी गुणनफल बोले अनुपात में, गुणनफल बोले या वर्ग बोले, हमेशा x सटा के बनाइएगा आप, बिना x का भी बनेगा लेकिन आपसे कभी कभी मिस्टेक भी हो सकता है, ठीक है, तो ध्यान दीजिए जब भी वर्ग बोले या गुणनफल बोले तो x सटा दीजिएगा रेशियो में, ठीक है, x सटा दीजिएगा, अब यहाँ वर्गों का योग है तो अभी इसका वर्ग करके योग ही कीजिएगा तब बराबर कीजिएगा, ध्यान दीजिए यहाँ तो इसका वर्ग कीजिएगा तो वर्ग यही ना हो गया, वर्ग स्क्वायर हो जा रहा है, स्क्वायर बाद में कर रहे हैं, ठीक है, देखिए यहाँ 5 के स्क्वायर 25, 4 के स्क्वायर 16, 25 और 16 कितना होता है 25, 35 31 और 10 41 और 1 42 42, यहाँ एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है, अभी यहाँ लिख नहीं रहे हैं, ठीक है, देखिए वर्गों का योग है इसलिए वर्ग कर दीजिएगा, ठीक है, ये सब वर्ग कीजिएगा तो 42 एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, वर्ग कैसे किए हैं देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ 4x स्क्वायर होगा, फिर यहाँ 5x स्क्वायर होगा, यही वर्ग हो गया, इसका जोड़े हैं तो इतना आया है 42x स्क्वायर, ठीक है, इतना वर्ग हुआ है, इस सबको जोड़ने पर अनुपात के जोड़ने पर इतना वर्ग हुआ, जबकि रियल में वर्ग बोला है कि 1050 है, 1050 से 1050 लिख दिए, अब देखिए 42 से काटिए काटिएगा इसको 14 या 42, 14 से 3 बार में कर जाएगा, 14 से 98 और 14 75 75, फिर 3 से कर जाएगा ये 25 बार में, ठीक है, इधर x स्क्वायर हटेगा तो बराबर को जरूर चढ़ेगा, तो 25 के बराबर 5 होता है, अब संख्या पूछा है आपसे, संख्या यही ना है 1 2 3, तीन संख्या है, x का वैल्यू 5 तो 1x का वैल्यू 5 ही आएगा, फिर यहाँ x का वैल्यू 5 तो 4x का वैल्यू 5 का 20, x का वैल्यू 5 तो 5x के 25, यानी कि 5 20 25 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, जो आपका ऑप्शन नंबर डी में है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, चलिए 37 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, किसी मिश्रण में स्पिरिट और पानी 3:2 के अनुपात में है, यदि इसमें पानी से स्पिरिट 3 लीटर अधिक हो तो इस मिश्रण में स्पिरिट की मात्रा बताइए। सुनिए सुनिए,
स्प्रिट, स्प्रिट और पानी दो प्रकार का मिश्रण है, ठीक है, स्प्रिट और पानी का मिश्रण है, इसमें 3:2 के अनुपात में है। मतलब कहने का है कि यदि स्प्रिट 3 लीटर होगा तो पानी 2 लीटर होगा, स्प्रिट 30 लीटर होगा तो पानी 20 लीटर होगा, ठीक है। अनुपात का मतलब छोटा सा वैल्यू होता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, क्वेश्चन कह रहा है कि मिश्रण में इसमें पानी से स्प्रिट 3 लीटर ज्यादा है, भैया अनुपात में स्प्रिट कितना है अधिक पानी से, देखिए नहीं पानी है, पानी 2 है, स्प्रिट 3 है, तो अनुपात में पानी से स्प्रिट कितना अधिक है, 1, और क्वेश्चन कह रहा है कि नहीं 3 लीटर है, तो इसलिए अनुपात 1 का वैल्यू 3 हो गया। अब पूछ लिया है कि बताइए स्प्रिट कितना है, ए सुनिए अनुपात 1 का वैल्यू 3, तो 3 का वैल्यू कितना, स्प्रिट 3 है तो 3 × 9 यानी कि 9 लीटर कहिए, तो 9 लीटर स्प्रिट है उस मिश्रण में, ठीक है, जो आपका ऑप्शन नंबर डी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे, चलिए 38 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। 3 संख्याओं का योगफल 116 है, दूसरी संख्या तीसरी संख्या से अनुपात है 9:16 तथा पहली संख्या का तीसरी से अनुपात 1:4 है, तो दूसरी संख्या बताइए, ध्यान दीजिए यहां, पहली संख्या और दूसरी संख्या, फिर बोला है दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, 3 संख्या यहां ध्यान दीजिएगा, 3 संख्या हो गया, तीनों का योगफल है कितना 116, तीनों का योगफल मतलब पहला प्लस दूसरा प्लस तीसरा, तीनों का योग है 116, तो ध्यान दीजिएगा 116। क्वेश्चन कह रहा है दूसरी संख्या का तीसरी संख्या से अनुपात है 9:16, दूसरी का तीसरी से है 9:16, तो 9:16 लिख दिए, ठीक है। फिर बोला है, फिर क्वेश्चन कहा है कि पहली संख्या तीसरी संख्या, पहली और तीसरी का अनुपात है 1:4, पहली और तीसरी 1:4 है, 1:4 है, तो बताइए कि इसमें से पूछ क्या लिया है आपसे, पूछ लिया गया है दूसरी संख्या बताइए, ध्यान दीजिए यहाँ तीसरी का वैल्यू 16 है, यहाँ तीसरी का वैल्यू 4 है। कहने का मतलब है मेरा नाम, अभी हम बिहार में है तो मेरा नाम प्रकाश है, और दिल्ली में चल जाएंगे तो आकाश नाम थोड़े हो जाएगा, नाम वही रहेगा, तो तीसरी का वैल्यू यहाँ 16 है और तीसरी का वैल्यू यहाँ 4 है, ऐसा थोड़े होता है, दोनों जगह अलग अलग होता है। यहाँ हम मतलब वजन मेरा वेट है 5 kg और दूसरा अति पर तराजू पर जो खाएंगे तो 25 kg थोड़े हो जाएंगे, बराबर होना चाहिए। तो पहले बैलेंस कर लीजिए यहाँ, तो एक काम कीजिए ना, 30 इसको बना दीजिए, इसको दूसरी बना दीजिए, यहाँ 9 था तो यहाँ 16 कर दीजिए, यहाँ 16 है तो 9 कर दीजिए, बस उलट दिया अपना से। अब बताइए ये कंटिन्यू रेशियो हो गया कि नहीं हो गया, पहला रेशियो का लास्ट और दूसरा रेशियो का फर्स्ट, तीसरी मिल गया तो कंटिन्यू रेशियो हो गया, दिमाग लगा लिए, ठीक है। और न भी दोस्तों ऐसे ही बन जाएगा, ठीक है, बहुत तरीके से मैथ बनता है, ना समझ में आ गया तो कमेंट में जरूर लिखिएगा, आपको फिर दूसरा तरीका मिल जाएगा, आपको मैथ का तरीका बहुत होता है, ठीक है। लेकिन क्या है कि यहाँ समय का अभाव है, ज़्यादा लंबा वीडियो बन जाएगा, इसलिए 2 तरीका 3 तरीका नहीं बताते हैं, ठीक है, नहीं तो ऑफलाइन वाला स्टूडेंट से पूछ सकते हैं आप कमेंट में। चलिए देखिए, तो यहाँ पहला दूसरा और तीसरा का रेशियो निकाल लीजिए, जिसका निकलना है उसको पकड़ेंगे, आगे जाएंगे तो फर्स्ट से गुना करेंगे और पीछे आएंगे तो लास्ट से। देखिए यहाँ एक पहले ही निकलना था, एक पकड़े, 1 16 16, फिर दूसरा का निकलना था 16 × 64, तीसरा का निकलना है 9 तीसरा का 64 है, देखिए ना तीसरा है तो तीसरा का 64, दूसरा का निकालना 9, पीछे आएंगे तो लास्ट, तो 9 × 36, अब कटने वाला तो काट दीजिएगा, ठीक है। अब दोस्तों ऐसे भी नहीं करते ना, यहाँ 16 है ना, इसको 16 बना सकते थे 4 से गुना करके, ठीक है, बैलेंस करने का तरीका बहुत है, ध्यान दीजिए। काटने वाला तो काट दीजिएगा, 4 से कट जाएगा 4 बार में, 4 से कट जाएगा 9 बार में, 4 से कट जाएगा 16 बार में। अब ध्यान दीजिए तीनों योग कितना हुआ, 16 × 9 = 25 और 4 × 29, अनुपात में तीनों का योग 29 हुआ, और क्वेश्चन बोला है कि 116 है, तो कितना बार में कट जाएगा, 20 × 80 और 9 × 36 कर जाएगा, अनुपात एक कभी चलेगा 4, 29 का होता है 116, अनुपात एक कभी चलेगा 4। तो आपसे पूछ लिया गया है कि आप भैया बता दीजिए कि दूसरी संख्या बताइए आप, तो दूसरी यही ना है, देखिए दूसरी यही है, तो अनुपात एक का वैल्यू 4, तो 9 का वैल्यू 9 × 36 अब कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, जो आपका ऑप्शन नंबर डी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे, चलिए 39 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा।
दो संख्याओं का अनुपात 10:7 है और उनका अंतर 105 है, तो उन संख्याओं का योग बताइए। ठीक है, दो संख्या देखिए, पहला संख्या और दूसरा संख्या, दोनों संख्याओं का अनुपात दिया है 10:7 के अनुपात में दिया है। ठीक है, 10:7 और उनका अंतर देखिए, इस बार अंतर दिया है, इस आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ है। ठीक है, ये अपना मन से एग्जाम में नहीं लिखना है ये सब। ठीक है, तो अनुपात में अंतर सुनिए, दोनों संख्या के बीच का अंतर दिया है ना, तो यहाँ भी अंतर निकालिएगा। यहाँ अंतर कितने अनुपात में 3, और जबकि रियल में कहा है कि 105 है, तो अनुपात 1 का वैल्यू 35 तो 105 होता है। ठीक है, तो आपका पूछा है योग बताइए आप, योग अभी एग्जाम में इस तरह से योग फेग नहीं लिख रहा है, डायरेक्ट 10 से 17 और 17 × 35 कर देंगे, हो जाएगा 17 अनुपात में टोटल योग 17 अनुपात 1 का वैल्यू 35। ठीक है, 17 × 35 कर दीजिए, अब 17 × 5 = 85 और 17 × 3 = 51, 51 + 8 = 59, यानी कि 59 यानी कि 595 रुपये हुआ योग। ठीक है, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे, चलिए 40 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। कोई धन सलीम तथा रहीम में 4:3 का अनुपात में बांटा गया, यदि रहीम का भाग 2400 रुपये हो तो कुल कितना धन है। देखिए इस बार इंग्लिश में लिख देते हैं थोड़ा, ठीक है, सलीम और रहीम का अनुपात जो है ना 4:3 के अनुपात में धन बताया है, 4:3 के अनुपात में। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है यदि रहीम जी का भाग 2400 रुपया है, सुनिए रहीम का भाग रियल में दिया है 2400, तो अनुपात में रहीम से मतलब रखिएगा, रहीम के अनुपात में कितना मिला है 3, और जबकि रियल में क्वेश्चन कह रहा है कि 2400 मिला है, दोनों रहीम का, इसलिए बराबर अनुपात 1 कभी निकालिएगा, 3 × 8 = 24 800 हो गया। आपसे पूछा है कुल धन, पूछा है कुल धन पूछ लिया गया है, तो कुल धन कितना है अनुपात में 4 × 3 = 7, अनुपात 1 का वैल्यू 800, गुना कर दिए 8 × 7 = 56 और 2 0 यानी 5600 रुपया कुल धन था। ठीक है, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, एक बात से थोड़ा दुखी हूँ कि बताइए बिना सब्सक्राइब किए हुए 50% आदमी देखते हैं इस हमारे वीडियो को, सब्सक्राइब करने में क्या जा रहा है आपका, पैसा थोड़े ना लग रहा है, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, और आपको जिस बुक से चाहिए मैथ और रीजनिंग का सॉल्यूशन कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, आपके लिए वह व्यवस्था मिल जाएगा, आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, शेयर जरूर कीजिएगा।